देखिए खाना आया था, कितना बच्चा खाना खाया ना तो क्लास में गया ना तो सबको अथी चक्कर आया था, सब गिर रहा था बार बार। फिर टीचर सबसे छुट्टी मांगा ना तो नहीं दिया, बोला वहाँ पे बैठा दिया, फिर पानी से मुंह कान पुछवाया, पंखा हाँक रहा था, झूठे बोला छुट्टियों मांगा तभी नहीं जाने दिया। मध्या भोजन खाकर 15 बच्चे बीमार, डीएमसीएच में भर्ती, छात्रों ने स्कूल में किया हंगामा। शहर के रत्नपट्टी काली स्थान मध्य विद्यालय में मध्या भोजन खाने के बाद 15 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को पेट दर्द और चक्कर आना शुरू हो गया। इसके बाद आनन फानन में बच्चों को उनके अभिभावक डीएमसीएच और दूसरे निजी अस्पतालों में ले गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई है। स्कूल के छात्रों ने कैंपस में जमकर हंगामा किया। मौके पर नगर थाना की पुलिस पहुंची और हंगामे को शांत कराया। बाद में आक्रोशित बच्चे नगर थाना का घेराव करने पहुंच गए हैं, जिन्हें पुलिस ने हटा दिया। उधर डीएमसीएच में इलाजरत बच्चों की हालत में अब सुधार हुआ है। स्कूल के एक छात्र दिलीप कुमार ने बताया कि 12 बजे के आसपास बाहर से मध्या भोजन आया था, उसे खाने के बाद कई बच्चों का पेट दर्द करने लगा और कई को चक्कर आने लगे। उसने बताया कि इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। कुछ स्थानीय अभिभावकों ने बताया कि बाहर से जो मध्या भोजन आता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अभिभावकों ने कहा कि जब बच्चे बीमार पड़ गए तो शिक्षक कह रहे थे कि बच्चे नाटक कर रहे हैं। काफी देर के बाद उन्हें सूचना मिली, तब जाकर वे अपने बच्चों को अस्पताल में ले गए। उसको सीरियत हुआ था, डीएम से लेके गया, गार्जियन को नहीं बुलाया, पटा पटा पानी पटा पटा के सर रखता था बच्चा को। हमको यह कानून है, झूठ बोलता है, नखरा करता है, लड़की के कपड़ा सब भिजा दिया, भिजा हुआ था पूरा। खाना कहाँ से आता था? खाना और कहाँ से आता है? कितना बच्चा खाना खा के बीमार पड़ा है? हमारा घर के दो आदमी को, दस आदमी हमारा घर के दो को, हम दूसरों को बचा के ले और बच्चा सब बचा। एक बच्चा आपको मध्य विद्यालय काली स्थान में एनजीओ के द्वारा खाना आया। खाना जो है सो करीब 12 बजे में खाना खिलाए। कितने बच्चे का खाना आया था? 98 बच्चे का। अच्छा, 98 बच्चे का खाना आया था, 98 बच्चे को खाना खिलाए। 3 बच्चे का तबीयत खराब है, कहा जो सर मन उलटता है, ऐसे करता है, माथा दर्द करता है, पेट दर्द करता है। पहले हम लोग लाए बुलाए, कहे कि जो गर्मी के कारण हो गया होगा तो पानी छींटे, उसके बाद पंखा झेले, तो देखे तो कि नहीं थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, तो तुरंत उसके गार्जियन को बुलाए। गार्जियन को बुलाए तो अपना गार्जियन अपना उसको अपना घर ले गए। घर ले जाने के बाद शायद स्थिति उसका ज़्यादा खराब हो गया होगा, तो वो अपना 3 गो बच्चा को लेकर के वो डीएमसीएच चला गया। अरे 3 बच्चा का बात नहीं आ रहा, 15 बच्चा का बात है। उसके बाद जो है वो गया तो हमको भी मालूम हुआ, जो डीएमसीएच में गया, हम भी डीएमसीएच, हम और वार्ड पार्षद साहब मिलकर ये कह के जो मालूम हो रहा है, जो लगभग 10-12 बच्चे और हैं। खाना में देखिए खाना आया था, कितना बच्चा खाना खाया ना तो क्लास में गया ना तो सबको अथी चक्कर आया था, सब गिर रहा था बार बार। फिर टीचर सबसे छुट्टी मांगा ना तो नहीं दिया, बोला वहाँ पे बैठा दिया, फिर पानी से मुंह कान पुछवाया, पंखा हाँक रहा था, झूठे बोला छुट्टियों मांगा तभी नहीं जाने दिया। कितना बच्चा का तबियत खराब हुआ? 11 बच्चा भर्ती है। खाना कहाँ से आता है? खाना बाहर से। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।